हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर जिसका नाम है कारमेंटर। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेनॉल्ट क्विड के BS6 वर्जन के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे गाइस, इस गाड़ी की रेंज जो है वो 3.41 लाख से शुरू होकर 5.69 लाख तक जाती है, जिसमें कि आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है सिर्फ पेट्रोल में। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक के 4 वेरिएंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मैनुअल में आपको यहाँ पे मिलते हैं 8 वेरिएंट्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में और कुछ बुरी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ इसकी ये है कि यहाँ पे इसमें DRL जो है वो काफ़ी कूल दिए गए हैं, जो कि इसको काफ़ी अच्छा एक स्टाइलिंग देते हैं। इस गाड़ी में नए फीचर्स काफ़ी सारे एड ऑन किए गए हैं जो कि इसमें मिसिंग थे। साथ ही साथ तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 4 सीटर गाड़ी है, तो इसमें कंफर्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। अब हम खराब चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो इतने कुछ खास नहीं लगते, वेयर एज इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो भी इतना कुछ खास नहीं है, बट यस इट्स कंफर्टेबल। तीसरी चीज इसमें ये है कि इसके इंटीरियर प्लास्टिक जो है वो काफी जगहों पे इंप्रूव करे जा सकते थे। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से कलर्स यहाँ पे मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको 5 कलर मिलते हैं, जो कि है रेड, सिल्वर, व्हाइट, आउटबैक ब्रॉन्ज, इलेक्ट्रिक ब्लू और जेंसकर ब्लू। सो ये काफी नए कलर है, काफी अच्छे कलर है। इनमें से जो आप करंटली देख रहे हैं वो है आउटबैक ब्रॉन्ज, ये भी काफी अच्छा कलर है, बट ये कार सबसे ज्यादा कूल जो है वो जेंसकर ब्लू या फिर इलेक्ट्रिक ब्लू में लगती है। सो अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि ये फीचर्स में कितनी अच्छी है। सो सबसे पहला इसका सेफ्टी फीचर है कि इसमें 2 एयरबैग्स है ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, सीट बेल्ट वार्निंग इसमें आपको मिल जाती है, ABS EBD मिल जाएगा, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है, AC जो है वो इसका मैनुअल है, इसमें आपको हीटर भी मिल जाएगा। यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है वो रिवर्स के लिए दिए गए हैं और कैमरा भी इसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट जो है वो फ्रंट और रियर रो दोनों जगह पे दिए गए हैं, जो कि इसे काफी एक एडवांटेज दे देता है। सीट्स एंड अपहोल्स्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जो है वो 4-way मैनुअली एडजस्टेबल है, इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं, पर इसे हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो फैब्रिक यहाँ पे दी गई है और इंटीरियर जो है वो इसके ड्यूअल टोन आपको मिल जाते हैं। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसमें आपको GPS नेविगेशन मिलता है, USB ऑक्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको आप यहाँ पे फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। स्पीकर्स इस गाड़ी में 2 है, जो कि एक छोटा सा डिसएडवांटेज रह जाता है। यहाँ पे आपको फिर भी इसमें वॉइस कमांड, FMM रेडियो और MP3 प्लेबैक भी मिलता है। रेनॉल्ट यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी देता है पूरी कार की और किलोमीटर्स में 50,000 की। सो अब हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका इंजन जो है वो 999 cc का है, 3 सिलेंडर इनलाइन और 3 valve cylinder DOHC सिस्टम के साथ। सो यहाँ पे इंजन टाइप जो है वो इसका 1 लीटर है, फ्यूल टाइप इसमें पेट्रोल है, डीजल ऑप्शन इसमें नहीं आता। मैक्स पावर इसका 67 bhp है एट 5500 rpm, मैक्स टॉर्क है इसका 91 Nm एट 4250 rpm, माइलेज इसका ARAI सर्टिफिकेटेड दिया गया है 24 km/l का। ड्राइवर ट्रेनिंग इस गाड़ी का फ्रंट व्हील ड्राइव है, ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक है, 5 गियर इसमें आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो मैनुअल भी ले सकते हैं। BS6 कार है ये और साथ साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 184 है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 28 लीटर है, जो कि थोड़ी कम लगती है। बूट स्पेस इसका 300 लीटर है, साथ साथ यहाँ पे मिनिमम टर्निंग रेडियस इसका 4.9 है। फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क है, रियर ब्रेक टाइप ड्रम है, स्पेयर व्हील जो है वो स्टील का दिया गया है और व्हील लिम्स जो है वो भी स्टील के दिए गए हैं और व्हील्स का साइज है 14 inches। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सेम इज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।